भारत में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक हरिद्वार या देवताओं का प्रवेश द्वार वह स्थान है जहाँ गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर इंडो-गैंगटिक प्लेन्स में प्रवेश करती है। हिमालय की तलहटी में स्थित हरिद्वार मंदिरों और आश्रमों का शहर है और इसका पवित्र वातावरण हर किसी को अपने में समा लेता है। हरिद्वार उन चार पवित्र भारतीय शहरों में से एक है जो कुंभ मेले का आयोजन करता है। हर साल 12 साल में यहाँ लाखों हिंदू भक्तों का पवित्र जमावड़ा लगता है। यहाँ हर 6 साल में अर्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। यहाँ हर साल बरसात के मौसम में कावड़ मेला भी आयोजित किया जाता है। हरिद्वार की परिधि में स्थित 5 तीर्थ गंगा द्वार जिसे हर की पौड़ी कहा जाता है, कुशाव्रत घाट, कंखल, बिल्वा तीर्थ जहां माता मनसा देवी का मंदिर है और नील पर्वत जहां माता चंडी देवी का मंदिर है। हरिद्वार उत्तराखंड के 4 धामों के प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है। हरिद्वार एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का शहर है जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पवित्र हर की पौड़ी में डुबकी लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हरिद्वार में घूमने की जगह बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध है जहां पर हर साल भारी मात्रा में पर्यटक और श्रद्धालु घूमने और दर्शन करने आते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ियों के बीच में स्थित इस स्थान को हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यह शहर अपने धार्मिक स्थलों के लिए भारत के साथ साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल है जो कि एक पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ पर गंगा नदी में स्नान करने पर कई अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा यहाँ पर गंगा नदी के तट पर होने वाली महाआरती का नजारा बहुत अद्भुत होता है जिसको देखने के लिए काफी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। इसी स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। यह स्थान हरिद्वार का एक प्रसिद्ध घाट है जो कि हरिद्वार के सबसे पवित्र घाटों में शामिल है। हरिद्वार विश्व स्तर पर आयुर्वेद, ध्यान और योग के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यह एक धार्मिक केंद्र है, इसलिए यहाँ शराब और मांसाहारी भोजन की अनुमति नहीं है। शहर बस और ट्रेनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन मई से अक्टूबर तक यात्रा के मौसम के दौरान विशेष रूप से यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। उत्तर भारत में हरिद्वार की यात्रा के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। हरिद्वार का अगला मुख्य पर्यटन स्थल है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के मुख्य टाउनशिप से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्वा पर्वत के ऊपर स्थित मनसा देवी उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मनसा देवी मंदिर में आने वाले भक्तों को एक पवित्र धागे को एक पवित्र पेड़ से बांधना होता है। यह भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बांधा जाता है। मनसा देवी का मंदिर पर्वत पर स्थित है, इसलिए निचले स्टेशन से केबल कार या रोपवे द्वारा मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। मंदिर में आप पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 830 सीढ़ियाँ हैं। यह मंदिर 178 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरिद्वार में आपको कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएंगे। हरिद्वार के अगले पर्यटन या प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है माता चंडी देवी का मंदिर। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है जो कि नील पर्वत पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहाँ का प्राकृतिक नजारा भी काफी खूबसूरत होता है। यहाँ पर भक्त अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पूजा करने आते हैं। जो भी सच्चे मन से पूजा करता है उसकी हर मनोकामना देवी पूर्ण करती है। माँ चंडी देवी के मंदिर को नील शिखर पर स्थित होने की वजह से इस यात्रा को नील पर्वत तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर हरिद्वार में स्थित 5 तीर्थों में से एक है जिसका सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व है। माँ चंडी देवी मंदिर में स्थापित मुख्य मूर्ति को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। वर्तमान समय में यहाँ पर जो माता चंडी देवी का मंदिर देखने को मिलता है उसका निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुचेत सिंह ने करवाया था। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पर्वत पर बना हुआ है। इस शिखर को नील शिखर के नाम से भी जाना जाता है जो उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार के हर की पौड़ी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माँ चंडी देवी मंदिर का निकटतम बस स्टैंड हरिद्वार का पुलिस हेडक्वार्टर है जहाँ से आप माँ चंडी देवी मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। हरिद्वार से माता चंडी देवी मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं जिनमें से आप किसी भी एक रास्ते से माँ चंडी देवी मंदिर पहुँच सकते हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी से माता चंडी देवी का मंदिर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पर आप पैदल यात्रा करके जा सकते हैं। इस रास्ते को काफी कठिन माना जाता है। माँ चंडी देवी मंदिर जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है जिसे उड़न खटोला के नाम से भी जाना जाता है। रोपवे की सुविधा को लेकर माता चंडी देवी मंदिर जाने और आने का किराया सिर्फ 193 और 128 रुपए है, इसलिए अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ हरिद्वार से माता चंडी देवी मंदिर की यात्रा कर रहे हैं तो आप उन्हें रोपवे पर ही बैठा कर मंदिर में दर्शन कराने लेके आए क्योंकि उनके लिए माता चंडी देवी मंदिर की पैदल यात्रा करना काफी मुश्किल हो सकता है। हरिद्वार का अगला मुख्य पर्यटन स्थल है राजाजी नेशनल पार्क।
राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। उत्तराखंड के 3 प्रमुख जिलों हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल को शामिल करते हुए उत्तराखंड के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध राजाजी नेशनल पार्क अपनी हाथी की आबादी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हिमालय की तलहटी में हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के पास स्थित प्रकृति प्रेमी और वन्य जीवन के प्रति उत्साही लोगों के लिए यह एक स्वर्ग है। पवित्र गंगा और सोंग नदियों के किनारे स्थित पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। पार्क हाथियों, बाघों, तेंदुओं, हिरणों और विभिन्न पक्षियों की प्रजातियों का घर है। 1983 में उत्तराखंड में 3 सेंचुरीज राजाजी मोतीचूर और चिल्ला को एक बड़े संरक्षित क्षेत्र में मिला दिया गया और स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वर्गीय श्री गोपालाचारी के सम्मान में राजाजी नेशनल पार्क का नाम दिया गया। ये लोकप्रिय रूप से राजाजी के रूप में जाना जाता है। 820 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला राजाजी विशाल भारत गंगा के मैदान की शुरुआत में शिवालिक पर्वतमाला में बसा एक शानदार राष्ट्रीय उद्यान है। 2 से 3 घंटे के जंगल ड्राइव के लिए गेट से जीप और जिप्सी किराए पर उपलब्ध है। यह पूरा पार्क घूमने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। यहाँ के टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। हरिद्वार का अगला मुख्य पर्यटन स्थल है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर हरिद्वार के प्रमुख लोकप्रिय मंदिरों में से एक है जो कि भारत माता को समर्पित है। स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित इस मंदिर में नक्शा भारत माता की मूर्ति को दर्शाता है जिसमें केसरिया वस्त्र धारण किया हुआ है। अगर आप हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं तो इस स्थान को देखने जरूर आए। भारत माता मंदिर 180 फीट ऊंचा और इसमें 8 मंजिलें हैं। भारत माता मंदिर उन सभी देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों को भी समर्पित है जिन्होंने देश के फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान दिया था। हरिद्वार का अगला मुख्य धार्मिक स्थल है दक्ष प्रजापति मंदिर जो कि हरिद्वार के कंकल क्षेत्र में स्थित है। हरिद्वार में देखने के लिए शीर्ष धार्मिक स्थलों में से एक दक्ष प्रजापति मंदिर है जिसे इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर भगवान शिव और देवी सती को समर्पित है। इसके अलावा मंदिर का नाम सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है। अगर आप इस जगह को पूरे जोश के साथ देखना चाहते हैं तो आप शिवरात्रि के दौरान मंदिर का भ्रमण करने जरूर आएं। हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट कुशावर्त घाट माना जाता है। ये वह जगह है जहां मृतक का अंतिम संस्कार और जुलूस निकाला जाता है। माना जाता है कि इस पवित्र घाट को 18वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। एक सिद्धांत यह भी है जो कहता है कि महान ऋषि दत्तात्रेय ने इस घाट पर बहुत समय बिताया था। हरिद्वार का अगला मुख्य आकर्षण है ब्रह्मा कुंड। ब्रह्मा कुंड हरिद्वार के सबसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। यह वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी पहाड़ों का रास्ता छोड़कर समतल भूमि में प्रवेश करती है। कहा जाता है कि इसी जगह पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर विष्णु भगवान के पद चिन्हों के निशान भी मौजूद हैं। धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों के लिए यह स्थान बहुत महत्व रखता है। हरिद्वार का अगला मुख्य टूरिस्ट आकर्षण है शांति कुंज। शांति कुंज हरिद्वार का प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र है। यहाँ पर इंसान को जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है ताकि इंसान अपने परिवार के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी कर सके। यहाँ पर दी जाने वाली शिक्षा का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है बल्कि यहाँ पर खाने और रहने की सुविधा भी फ्री है। इसके अलावा यहाँ पर एक अखंड ज्योति मंदिर भी मौजूद है जहाँ पर कई सालों से लगातार ज्योति जल रही है। हरिद्वार का अगला मुख्य पर्यटन स्थल है विष्णु घाट। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान विष्णु ने त्रेता युग में गंगा स्नान किया था। तब से इस स्थान का बहुत महत्व रहा है। यह घाट हरिद्वार के सबसे प्रमुख घाटों में शामिल है जहां पर गंगा स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। यहां पर आपको प्राचीन मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। हरिद्वार का अगला मुख्य आकर्षण है पतंजलि योगा पीठ। ये आयुर्वेद और योग में एक प्रसिद्ध चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है जिसे कई पर्यटक देखने आते हैं। 2006 में स्थापित यह स्थान न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़े योग संस्थानों में गिना जाता है। संस्थान का नाम योग के आविष्कारक ऋषि पतंजलि के नाम पर रखा गया है। इस संस्थान में कई आयुर्वेदिक दवाओं और उपचारों का निर्माण किया जाता है। योग में बढ़ती रुचि के कारण यह हरिद्वार के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। हरिद्वार में यात्रा करने के लिए सबसे सम्मानित स्थानों में से एक है पवन धाम जो भागीरथी नगर में स्थित है। इसका रखरखाव मोगा की गीता भवन ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा किया जाता है। एक बार जब आप इस स्थान पर आते हैं तो आप धाम की जटिल वास्तुकला, विस्तृत कांच के काम और कीमती पत्थरों और गहने से सजी मूर्तियों से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह हरिद्वार के सप्त सरोवर रोड पर स्थित है।
तो ये थे हरिद्वार के कुछ मुख्य टूरिस्ट आकर्षण। आपको हरिद्वार में घूमने के लिए पर्यटन स्थलों में से किस स्थल ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।